चलेगा तो सारी मेलोडी निकल जाएगी तुम्हारी। अच्छा क्यों? क्योंकि तुम किसी को कुछ बताकर नहीं आई हो। तो क्या हुआ? तो किसी को पता नहीं है कि तुम कहाँ हो। तो क्या हुआ? तो तुम्हारे घर वाले परेशान होकर मेरे घर फोन करेंगे। तो क्या हुआ? तो उन्हें पता चलेगा कि मैं भी घर पर नहीं हूँ और मेरे घर वालों को भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो क्या हुआ? तो वो समझ जाएंगे कि मैं और तुम साथ हैं। तो हमें बताया गया था कि शादी के एक हफ्ते पहले से शादी तक हम दोनों नहीं मिलेंगे। बताया गया था कि नहीं? ब्यूटीफुल विनय, बाहर आ जाओ ना, देखो कितना सुंदर है। मैंने देखा है। एक मिनट के लिए बाहर आ जाओ। That's it. मैं जा रहा हूँ। Bye. Bye. See you. अरे मैं जा रहा हूँ। Ta-da. जाओ भाई, रुक क्यों गए? वीरा छोड़ो मुझे, let me go. बाहर आ जाओ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। भाई साहब, मैं कहती हूँ छोड़ो। बस छोड़ो, जाने ही वाले थे। हाँ चले जाना, लेकिन पहले नीचे तो उतर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कौन हो तुम लोग? छोड़ो। बने हैं। हाँ। मुझे क्या है ये? क्या है ये? चलो विनय बचाओ मुझे, विनय लोगों से बचाओ, विनय छोड़ो। और आओ हाईवे पर, कितनी बार मना किया था मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, जिद थी तुम्हारी। मुंह बंद कर, ज्यादा कुछ जिन कर बे, खाली हाथ बांध दे। किसी के नहीं मानोगी ना तुम, है ना? खाली ले चाबी, गड्ढा में फेंक दे। तुम्हारा आइडिया था ना, अब भुगतो। वेरी गुड, भुगतो तुम। आपने वो चीज पता की? मैंने बोल दिया ना, भरोसा नहीं है मुझ पे। मेरी तसल्ली के लिए आप ही पता कर लीजिए ना। ठीक है। सब कुछ ठीक होने पर डिलीवरी कल शाम की रखते हैं, सूरज ढलने के बाद। ठीक है। क्या करोगे तुम मेरे साथ? बोलो बोलो। चलो जा। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, कभी नहीं हो सकता। तो, ओ, 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 एक बार में जवाब दे। तेरी नथ उतरी है? कभी सोई है किसी के साथ तू? बता, नहीं मैं खुद पता लगा लूंगा। नहीं, नहीं।
नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। नाम क्या है तेरा? मेरा वीरा। देख देख ये तेरे बारे में लिखा है। वो जो लड़का उस दिन तेरे साथ था वो कमिश्नर का बेटा है हाँ? हजार दफा समझाया मैंने आपको कि गाड़ी में चलने वाली लड़कियों की तरफ मत देखिए। हर एक का अपना अपना कनेक्शन जरूर होता है। क्यों? गाड़ी वाली की इज्जत पैदल चलने वाली की इज्जत से ज्यादा महंगी है? जिद मत कीजिए, ये धंधे की बात है। इसमें अंदाजा कर रहा हूँ मैं, ये काम जो शुरू किया उसको खत्म भी करूंगा। मेरे भाई आप तो जानते हैं कि हमारे धंधे में पुलिस से दुश्मनी करके हम एक कदम भी नहीं चल सकते। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जान लीजिए, और वहाँ मेरे अड्डों पर पुलिस रेड डाल रही होगी और आधे घंटे में यहाँ भी आ सकती है। माफ करना भाई, इस लड़की को तो मैं हाथ नहीं लगा सकता। इतना डरोगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ मैं तो डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, और मेरी मानिए तो आप भी डरना सीख जाइए। आधे घंटे के अंदर मैं मुंबई से बाहर जाना है, 5 मिनट में जगह खाली करो। सुनो टेम्पो में सामान डालो। मानो टू व्हीलर टेम्पो में डालो। दो तीन दिन सामने वाली खोली में रुकना, देखना पुलिस आती है कि नहीं, और लामतुरे से पता करो कि रिपोर्ट किसके नाम की है। चिंता मत कर। अरे बोल रहे हैं फिर से, चलो ना साला। चलो दिखा, दिखा कितनी गर्मी है तेरे बेचे में, दिखा दिखा। पहले तू अपना गुस्सा दिखा, फिर मैं दिखाता हूँ। देखो जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। तुम लोग मुझे छोड़कर कहीं भाग जाओ, मैं कमिश्नर अंकल को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारे चेहरे भी नहीं पहचानूंगी, फिर उनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उसको वैसे भी पता नहीं चलेगा, 3 दिन बाद तू कौन से जहाज से कौन से मुल्क जा रही होगी और कौन से पाले में तेरी जिंदगी बीतेगी उसको कभी पता नहीं चलेगा। ए वो बांध इसका।
बाहर जाना है। भागना चाहती है? चल भगाता हूँ तेरे को। चल 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 चल। दादा क्या बात? भागे पर चाहते, इसको भगाते हैं। चल भाग, चल भाग, भाग। तुम साले शहर के लोग, हाथ में जरा सा पैसा आ जाए, जिंदगी सिनेमा लगने लगती है तुम लोग को। सिनेमा में देखा है ना जंगल, अंग्रेजी सिनेमा में। अब इस जंगल में भाग, किस्मत अच्छी रही तो जानवर पकड़ लेगा और मार के खा जाएगा, नहीं तो आदमी लोग के हाथ लग जाएगी तू, और वो तेरे को मारेंगे नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा नोच के जिंदा खा जाएंगे। और तू मेरी बात मत मान, क्या पता मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तेरे को भागने का है ना, तू भाग, यही मौका है, भाग 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 ना, भाग साले, भाग भाग। कहीं की महारानी नहीं है ये, अपनी मर्जी से गई थी, अपने आप अंदर जाएगी। साढ़े पाँच तक तोड़ रहा जाऊँ, साढ़े पाँच तक तक नहीं आए मैं तुरे लेकर निकल जाऊँ, बने बने। जय बूढ़ी दाई। जय बूढ़ी दाई। सुनिए, मैं वहां बाहर आ सकती हूँ? क्यों? मैं अब भागने की कोशिश नहीं करूंगी। बाहर क्यों आना है? मुझे बहुत बन सा लग रहा है, बाहर आऊंगी तो अच्छा लगेगा। कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल कोई टूरिस्ट स्पॉट की तरह। वैसे मैंने कई टूरिस्ट स्पॉट देखे हैं, मगर हमेशा ऐसे जंगल को मैंने अपनी गाड़ी से या होटल के कमरे से देखा है, तो इसलिए मुझे कोई जगह इतनी सुंदर नहीं लगी। जब भी हम बाहर जाते हैं ना, लोनावला, खंडाला या महाबलेश्वर, दिन रात होटल में ही रहते हैं, तो फायदा क्या है बाहर जाने का?
उससे अच्छा पुणे में ही किसी होटल में रह लेते, है ना? होटल तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं ना। दादा मैं औलाद मैं बहुत बात कर रही हूँ ना, कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, रोक ही नहीं पा रही हूँ अपनी जुबान को। रात को ये जंगल कितना डरावना लग रहा था और अब कितना सुंदर लग रहा है। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूं, मुझे इस वक्त रोना चाहिए, सहमना चाहिए, मगर पता नहीं एक बात ये भी है कि किसी का दिमाग आखिर कितनी परेशानी ले सकता है। एक हद के बाद दिमाग अपने दरवाजे बंद कर लेता होगा ना, क्या पता। शहर में सब कहते हैं कि मैं पागल हूं ऐसे ही मजाक में, मगर कहते हैं, विनय भी कहता है कि मैं पागल हूं फिर भी मुझसे शादी कर रहा है। मैं बहुत सुंदर हूं ना उसी लिए। मगर अब पता नहीं क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ठीक है हाँ? और लकड़ी नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आपने मुझे बाहर आने दिया, यहाँ के आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पिकनिक पे आई है तो ज्यादा अच्छा लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? बहुत जल्द हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, उसके बाद तेरे साथ बुरा ही बुरा होगा। चल 5:30 गड़बड़ लगता है। सुन मैं अभी निकल रहा हूँ, तू यहीं रुकेगा, देख भानु आता है कि नहीं। 10 बजे सुबह या 10 बजे रात में मैं मिठाई की दुकान पे फोन करूँगा। हाँ चिंता मत कर, 1-2 दिन की बात है, फोन करके सब लोग मिलेंगे। हैं जय बूढ़ी दही। मैं सामने आना चाहती हूँ। चुपचाप बैठी रह, जा बैठी है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे सर घूम रहा है, मुझे उल्टी हो जाएगी, प्लीज मुझे सामने आने दो। उल्टी हो रही तो वहीं करते, पीछे कहीं, इधर नहीं ला सकता मैं तेरे को। प्लीज मैं अपने आप को शॉल से ढक लूंगी। तुमको यही डर है ना कि लोग मुझे देखेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा, लेकिन मैं दिखूंगी ही नहीं, सिर्फ शॉल दिखेगी। ऐसे ठीक है? हाँ ठीक है, चल। सुन यहीं बैठ, मैं 1 मिनट में आता हूँ, कहीं जाना नहीं।
रुको, पीछे मुड़ो। मना किया था ना तेरे को, कहीं मत जाना। कहाँ गई थी? तुम कहाँ गए थे? तू मेरे से क्या पूछ रही है मैं कहाँ गया था? दिमाग ठीक है ना तेरा? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन तुमको भी समझना चाहिए। अगर तुम गए थे तो मुझे भी जाना हो सकता है। कमाल है। चल चल। बंद रखो, चुपचाप नीचे उतर। क्यों, क्या हुआ? बोला ना। चल बाहर निकल। इसके साथ अंदर क्या है? अब कुछ नहीं, वो घर का सामान है। चल चाबी निकाल। अब जाने दो ना साहब, थोड़ा जल्दी में हो। चल चाबी निकाल। अरे कुछ नहीं है ना, बोला ना आपसे कुछ है नहीं इसके अंदर। तुम यहीं रुको। ओके, तुम जा सकते हो। अरे जाओ ना, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो छिप क्यों गई? हैं? छिपी क्यों? अच्छा किया ना मैंने, वरना तुम अभी पुलिस के हाथों में होते। मैं पुलिस के हाथों में होता तो तू अपने शहर के रास्ते पे होती। मौका मिल रहा था तेरे को। पता है आज विनय से मेरी शादी होने वाली थी। तो तेरे को देख लेते तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती। अब तो छिप गई क्यों? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? पता कैसे नहीं होगा? पता नहीं। उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुमने मुझे पूछा था ना कि क्या मैं, हाँ मैंने झूठ बोला था। ग्यारह साल की थी मैं, सिर्फ ग्यारह साल की। फ्रॉक पहनती थी। हमारे घर एक आदमी आता था, मनोहर। मनोहर अंकल मुझे बेटी बुलाता था। बहुत प्यार करता था।
मैं घर में अकेली थी। दोपहर को वो आ गया। उसने मुझे बुलाया, मैं चली गई। गोद में बिठाया, फिर कैसे, मैं बहुत छोटी थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ दर्द होता था बार बार, या बहुत दर्द, बस चुप हो जा, चुप हो जा। बस चुप हो जा। आज 12 साल हो गए, वो आज भी मेरे घर आता है, मुझे बेटी बुलाता है, उसे देख के मुस्कुराती हूँ। हम दोनों ऐसे ही बात करते, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है। पता है, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। तुम पहले आदमी हो। मैंने हमेशा सोचा था कि शायद कोई ऐसा होगा जिसे मैं ये सब बोल सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी तुम होगे। और वो जो तेरे साथ था, विनय, वो तो तेरा प्रेमी है ना, उसको नहीं बोली तू? विनय तो आखिरी आदमी होगा जिसे मैं ये सब बात कर सकूं। वो कभी नहीं समझेगा। जिंदगी भर मैं उसके साथ रह लूंगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं हूं कौन। उसे सिर्फ मुझे किस करके स्वीट हार्ट आई लव यू कहना आता है, यही है हमारा प्यार। जिंदगी के हजार झूठ में ये भी एक झूठ है। मगर उसके साथ रहकर मुझे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि किसी भी वक्त
तुम्हारे जैसा कोई आदमी मुझे उसे छीन सकता है, और उस वक्त वो क्या बोलता है कि मेरी गलती थी, मैंने जिद की थी मुझे हाईवे पे आना है, तो क्यों जाऊं मैं उसके पास, तुम्हारे पास क्यों ना रहूं? बहुत डरी हूं तुमसे इन चार दिनों में, पर अब मुझे लगता है कि दुनिया में तुम पहले आदमी हो जिसके साथ मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो बाहर हो ना, अंदर भी वही हो। तुम मुझे मार सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मगर एक बात है, तुम्हारे होते हुए कोई भी दूसरा इंसान मुझे छू तक नहीं सकता। होश में है तू? दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता है क्या बोल रही है तू? हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। क्या पता है, क्या पता है तुझे मैं कौन हूँ? तुझे पता है तेरे जैसे 20 लड़कियों को बेच चुका हूँ मैं। मालूम है। और तुझे भी बेच डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझको। तू मेरे लिए सिर्फ एक सामान है, समझी? समझी कि नहीं? अब कुछ नहीं हो सकता देवा, मुझे इसकी आदत हो गई है। सच बोलूं, अब तुम्हारे मारने से ना मुझे चोट भी नहीं लगती। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ खुशी रहूंगी, है ना? जहां से आ रही हूं वहां वापस जाना नहीं चाहती, जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंचना नहीं चाहती, मगर इन दोनों के बीच का ये सफर बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूं कि ये सफर कभी खत्म ना हो। इधर आ। देख, ये जो रास्ता देख रही है ना, पहला मोड़ छोड़कर दूसरे मोड़ पे मुड़ जाना, वो रास्ता सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। वहां चली जा, उनसे बोल तू वही लड़की है जिसे पूना में किडनैप किया गया था। सुनो मैं, फौरन मत जाना, वो लोग मेरे पीछे आएंगे। मुझे एक घंटे का टाइम दे, तब तक मैं गाम देवी के मंदिर पहुंच जाऊंगा, फिर नहीं पकड़ पाएंगे मुझे। क्यों बेकार की बातें करते हो? तुम्हें पता है कि मैं नहीं जाऊंगी। वहां इंस्पेक्टर राणा डे मिलेगा, सिर्फ उसी से बात करना, वो अच्छा आदमी तुझे घर तक छोड़ देगा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो क्या करेगी? मेरे साथ रहेगी, शादी करेगी मुझसे? हैं? तू जानती नहीं मेरा धंधा क्या है? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। मैं लड़कियां उठाने जाऊंगा, तू मेरे साथ जाएगी, उनके हाथ बांधेगी, या वहां रहेगी जहां मैं रहता हूँ? कुत्तों की तरह नोच खाएंगे तुझे सब। मैं नहीं जाऊंगी, ये तुम जानते हो। तो जाएगी, ये मेरा फैसला है। नहीं, दिमाग से सोच थोड़ा, दिमाग से। ये सिनेमा नहीं है, सिनेमा नहीं है, ये दुनिया है। मैं और तू, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमारा कोई मेल नहीं है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम पहले बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हाँ, क्या हो क्या गया तेरे दिमाग को? तो जा वापस,
देख, जितना होना था उतना हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं जैसा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम मेरे बारे में वैसे ही सोचते हो ना? क्या फर्क पड़ता है मेरे सोचने से? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, बताओ। नहीं नहीं, मैं तेरे बारे में वैसा नहीं सोचता। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तेरे बारे में वैसा नहीं सोचता। क्या बात है विजय बॉस, जब से आए हो चार चार सिगरेट पी चुके हो। हैं? तुम भी तो तीन गिलास चाय पी चुके हो। मतलब कि एक और पीना बाकी है। और क्या? अच्छा ये टेम्पो यहाँ रहेगा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, तू चाहे तो एक और साल यहाँ छोड़ दो। नहीं नहीं, साल की बात नहीं, 15 दिन में कोई आदमी यहाँ के ले जाए। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं है ना? नहीं नहीं, आपकी वजह से मेरा काम बन गया है। वैसे कितनी चाय पीते हैं आप दिन में? जितनी तू सिगरेट पीता है। मेरे चक्कर में मत पड़ो, मेरे से एक कम पिया है। एक और मंगाता हूँ ना अभी। मंगाया ना। एक मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? आया एक मिनट। क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई? मैं नहीं जा सकी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूंगी। वाह, क्या ये बता। मैं जा रही थी तो मेरा माइंड चेंज हो गया। माइंड चेंज हो गया मतलब? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। तो पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ। राणा डे से मिली? हाँ, मगर वो कुछ और ही बात कर रहा था तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। उससे क्या बोली तू? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, सॉरी बोला, बोला कि गलती से आ गई और निकल गई। उनको शक हो गया होगा ना, मगर मैं कुछ नहीं बोली। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे किडनैप किया गया। बोलने की दरकार नहीं था, वायरलेस आ गया होगा, 2 मिनट में समझ जाएंगे। हाँ आई तो थी, एक विजय नाम का आदमी, उसके साथ बात कर रही थी। कहाँ? उधर टेम्पो के पास। टेम्पो? हाँ है, चल। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी ना, या तो पुलिस स्टेशन जाती ही नहीं। पुलिस कोई पहली बार थोड़ी नहीं लगी मेरे पीछे। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। चले जाती फिर क्या होता? मैं पूना में होती, विनय से शादी कर लेती। लेकिन तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना, और वो भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने कहा था ना उसे, वो तुम्हें सिर्फ चुम्मा लेना आता है और वो बोलना आता है। क्या वो इंग्लिश में? क्या वही? वो सभी ठाट I love you। आखिर तो तुमने कह ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ पता है, अच्छा हुआ तू आ गई। क्या बोल दिया ना एक बार? तुम्ही ने तो कहा था
कि हमारा कोई मेल नहीं है। अगर मैं रहूंगी तो तुम्हारे काम में प्रॉब्लम होगी। तुम लड़कियां उठाओगे तो क्या मैं उनके हाथ बांधूंगी? अरे तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं हमेशा यही काम करूं, छोड़ भी सकता हूं ये काम। तुम रहोगी तो छोड़ ही दूंगा ना। फिर क्या करोगे? छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, मेरा गांव है वहां। उतनी दूर कहां पहुंच पाएंगे हम? अगले बड़े शहर पे पुलिस हमें पकड़ लेगी। बेंगलोर में टेम्पो छोड़कर वहां पहुंचने में एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ता तो साथ रहेंगे और क्या। और स्टेट के बॉर्डर पे पकड़े गए तो? फिर भी एक दिन है, 24 घंटा साथ रहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे पकड़े गए तो? तो 2 घंटे साथ रहेंगे। हो सकता है अगले मोड़ पर पुलिस हो और हमें पकड़ ले। फिर भी अभी तो हम साथ हैं ना। हो सकता है कभी नहीं पकड़े जाएं, शादी कर लें और हमारे 10 बच्चे हो जाएं। हो सकता है, मगर 10 बच्चे? 8। पागल हो गए हो क्या? जरा देखो तो पीछे पुलिस तो नहीं दिख रही? अभी तो नहीं दिख रही है, मगर दिखेगी।